और ये मैं जो रन डायरी भरता हूँ गाड़ी की, ये 24/25। और सर ये मेरे बच्चों की जो ज़बरदस्ती फीस भरवाई है पूरे साल की, तीनों बच्चों की है ये रसीदें हैं। और ये जो हमारी, हम रजिस्टर में ड्यूटी लगाते हैं, ये वो रजिस्टर की ड्यूटी है, ये कार्ड डायरी है, और इसमें मेरी ड्यूटी जो मेरा साइन है ड्यूटी पे हूँ। ये जो है ये रजिस्टर ड्यूटी है का है, 24 तारीख में ये शिव कुमार ऐसा ही मेरे साथ हैं, और चालक धर्म सिंह, ये मेरा साइन है और ये चेक भी हुई है ड्यूटी। नाम है आपका? मेरा नाम धर्म सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं और इस समय आप कहाँ पोस्टेड हैं? मैं गोविंद नगर थाने में PRV 1884 पे पोस्टेड हूँ, और होमगार्ड चालक हूँ, और अनूपनगर गांव है, उस पार पंचायत में लगता है। क्या समस्या है धर्मवीर जी आपकी? समस्या ये है कि मैं PRV पे ऑन ड्यूटी था 24/25/10/21 को, और घर पे हमारे गांव में ईसाई क्रिश्चियन पादरी रहते हैं, और पूरा गांव क्रिश्चियन है, हमारा परिवार हिंदू है, और आए दिन अपने अनुयायियों द्वारा और अपने द्वारा दबाव बना रहे हैं हमारे ऊपर कि हमारे चर्च में पाठ पूजा में आया करो आप, और क्यों नहीं आते हो, और हम लोग जाना नहीं चाहते, हम अपना हिंदू तरीके से रहते हैं तो हमसे चिढ़ते हैं, और हमें दबाव बना रहे हैं कि आप धर्मांतरण क्यों नहीं करते, क्रिश्चियन क्यों नहीं बन जाते। अब क्या समस्या है? अब पुलिस आपके पीछे पड़ी? अब समस्या ये है कि मैं तो ड्यूटी पे था, मेरे पीछे पापा से बदतमीजी करी है उनके नौकर ने, और उनके दो चार क्रिश्चियन गांव के लोग हैं, उनके द्वारा बदतमीजी करी, मेरे पापा के साथ मारपीट की गई है मेरे बच्चों के साथ, और पुलिस पे दबाव बनवाया गया पादरी के फादर रोशन डिसलवा के द्वारा, कि पुलिस के द्वारा घर पे पुलिस दबाव भिजवाई जा रही, 3-4 दिन से परेशान है हम लोग, और हम इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, हमारे बच्चे कहीं हैं, हमारी सिस्टर कहीं हैं, और हम इधर उधर भागते फिर रहे हैं, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, और मुझे बुलाया जा रहा है थाने में कि आप आ जाओ। तो ये स्कूल का जो मामला है, ये मामला हुआ कैसे था? स्कूल का मामला ये है कि ना, हमें हर तरीके से दबाया जाता है, मेरे पास ये कागज़ हैं जो मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं, और बच्चों को भी बुलाया जाता है कि आप हमारे चर्च में पाठ पूजा में आया करो, हमारी दुआ प्रार्थना सीखा करो, और ये जो मेरे पास फीस कार्ड हैं, किसी भी इंसान से आज तक कोई फीस नहीं भरवाई गई पूरे साल की, और मुझसे ज़बरदस्ती तीनों बच्चे की 15-16 हज़ार रुपये ये, और पूरे साल की फीस ज़बरदस्ती भरवाई गई है। त्यौहार पे मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने किसी से उधार सुधार लेके, अब हम घर पे नहीं जा पा रहे, और ड्यूटी पे तो आते हैं लेकिन रास्ते में हमारे साथ बदतमीजी करते हैं गांव के लोग, और उनके क्रिश्चियन अनुयायी हैं उनके द्वारा बदतमीजी, और रोका जाता है, तो हम ड्यूटी पे भी जाने में असमर्थ हैं, हमें डर है कि हमारे साथ कुछ घटना ना हो जाए। कौन सा स्कूल है? स्कूल संत माइकल अनूपनगर विद्यालय। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, और हमारे साथ, हम हिंदू बन के ही रहना चाहते हैं, हमारे ये जो दबाव देते हैं पादरी, हमारे ऊपर कोई दबाव ना हो, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं।